हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस फिल्मी मेट के एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की पांच नहीं बल्कि सात ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्टर क्राइम थ्रिलर मूवी, जो कोर्ट रूम और लीगल ड्रामा पर आधारित है, जिसमें आपको जबरदस्त वाला सस्पेंस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और जजमेंट देखने को मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि इस लिस्ट की लगभग सभी मूवीज आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb पर भी शानदार रेटिंग मिला है। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको इसी साल 2022 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी जन गण मन, लीगल ड्रामा मूवी थीमारुसु, नांदी और वासी जैसे और भी आपके डिमांड की मूवीज भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बिना स्किप किए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको लीगल ड्रामा थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस काउंटडाउन लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 7 पर आती है साल 2020 में रिलीज हुई लीगल ड्रामा थ्रिलर मूवी लॉ। मूवी की कहानी एक फीमेल लॉ स्टूडेंट के चारों ओर घूमती है, जो एक अपराधी को सलाखों के पीछे डालने के लिए खुद का केस खुद ही लड़ती है। तो वह कौन सा अपराध है जिसने कॉलेज स्टूडेंट को खुद का केस खुद ही लड़ने पर मजबूर कर दिया, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये वन टाइम वॉच मूवी है जिसे IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और 69% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह कनाडा लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको रागिनी प्राजवाल, श्री प्रहलाद, अच्युत कुमार जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई मिस्ट्री कोर्ट रूम ड्रामा मूवी कोदाथी समक्षम। मूवी की कहानी में बालाकृष्ण एक वकील है जो हकलाने के कारण अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहानी में टर्न तब आता है जब उसे एक अमीर बिजनेसमैन से जुड़ा एक जटिल केस सौंपा जाता है। तो वह इस केस को कैसे हैंडल करता है जानने के लिए आपको मूवी पूरा देखना होगा। मूवी बहुत ही अच्छी है जिसे IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको दिलीप, नेहा अय्यर, ममता मोहनदास जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। ये मूवी यूट्यूब पर हिंदी डब में ऑफिशियली अवेलेबल है, तो जल्द इस मूवी को देख लीजिए। नंबर 5 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई कोर्ट रूम ड्रामा मूवी वासी। मूवी की कहानी एविन और मधु नाम के दो एम्बिशियस और सेल्फ मेड लॉयर की है, जो बाहरी दुनिया में कई समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उन दोनों के लाइफ में टर्न तब आता है जब वे एक इम्पोर्टेंट केस में खुद को विरोधी पक्षों का बचाव करते हुए पाते हैं। तो आगे क्या होता है ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको कीर्ति सुरेश, टोबिनो थॉमस, अनु मोहन जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप अनऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है साल 2016 में रिलीज हुई लीगल ड्रामा थ्रिलर मूवी मनीथन। मूवी के कहानी में शक्ति एक स्ट्रगलिंग लॉयर है जो फेम और पैसा कमाने के लिए चेन्नई जाता है, जिसके बाद वह हिट एंड रन केस के मामले में रिश्वत देकर एक अमीर आदमी का केस लड़ता है और एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाता है जो इस मामले में गवाह होने का दिखावा करता है। तो आगे क्या होता है ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 82% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको उदय निधि, स्टालिन, प्रकाश राज, हंसिका मोटवानी जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप यूट्यूब पर ही इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी थीमारुसु। मूवी की कहानी एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक निर्दोष व्यक्ति को उस हत्या के लिए फंसाया जाता है जो उसने नहीं किया, जिसके बाद एक वकील असली अपराधी को कटघरे में लाने और उस निर्दोष व्यक्ति को बचाने का फैसला करता है। तो क्या वह ऐसा कर पाता है या नहीं जानने के लिए आपको मूवी पूरा देखना होगा। मूवी काफी अच्छी है जो आपको लास्ट तक इंगेज रखती है, जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको सत्यदीप कंचराना, प्रियंका जवालकर, अंकित कोया जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। यह मूवी तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई क्राइम कोर्टरूम ड्रामा मूवी नांदी। मूवी की कहानी सूर्या नाम के एक आईटी प्रोफेशनल के चारों ओर घूमती है, जिस पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का इल्जाम लगाया जाता है और वह जजमेंट का इंतजार करते हुए वर्षों तक जेल में दुर्व्यवहार का शिकार होता रहता है। तो क्या उसे न्याय मिल पाता है या नहीं जानने के लिए आपको मूवी पूरा देखना होगा। यह मूवी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको अलारी नरेश, नवामी गायक, वारा लक्ष्मी, शरद कुमार जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल यह मूवी हिंदी डब में यूट्यूब पर ही अनऑफिशियली अवेलेबल है, तो जल्द इस मूवी को देख लीजिए। नंबर 1 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी जन गण मन। मूवी की कहानी में एक कॉलेज प्रोफेसर का बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है, जिसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। इस
जिसके आगे और बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसीलिए आगे की कहानी आप मूवी में ही देखना। जिसकी स्क्रीन प्ले और सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस शानदार है, जिसमें आपको जगह जगह ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है। इस मूवी को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 का शानदार रेटिंग मिला और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड रोल में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन, ममता मोहनदास, वेंसी अलोसियस जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल है जो कभी भी रिमूव हो सकती है, इसीलिए आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी साउथ की 7 नई कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर मूवीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही नई नई मूवीज की लिस्ट और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।